ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी, हिम्मत भी और ताकत। वेल दोस्तों, कश्मीर और श्रीलंका जैसे कई इलाके हैं जिन पर हमेशा से ही दूसरे देशों की नज़रें रही हैं और इन्हें दूसरों की कैद से बचाना बेहद मुश्किल रहा है। लेकिन फिर भी हर बार भारत ने इन देशों का डटकर सामना किया और अंत में जीत हमारी ही हुई। लेकिन ऐसा अकेले करना भारत के लिए भी संभव नहीं था और कई बार इंडिया के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने भारत की इस सब में मदद की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जहां रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने श्रीलंका को एक बड़ी कैद से बचाया। बात है अर्ली 2000s की, जब भारत और चाइना के बीच श्रीलंका पर राइट्स के लिए लड़ाइयां चल रही थी और इसीलिए दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक पैक्ट बनाया और अग्रीमेंट साइन किया कि दोनों में से कोई भी वहाँ अपने इक्विपमेंट्स, टूल्स या डिवाइसेस लैंड नहीं करेगा। लेकिन चाइना ने भारत को इन्फॉर्म किए बिना अपने आप ही साल 2014 में श्रीलंका में अपनी दो सबमरीन्स डॉक करवा दी। जब इस बात का भारत को पता लगा तब इंडिया में हाहाकार मच गया और चाइना पर दोष लगाए जाने लगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब करा क्या जाए। ऐसे में भारत की अथॉरिटीज़ ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का सहारा लिया और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इस सब से निपटने की। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अपनी एक शानदार टीम बनाई और करीब दो हफ्ते में सभी टीम मेंबर्स को कड़ी ट्रेनिंग भी दी, जिसके बाद सभी श्रीलंका अपने हक की लड़ाई के लिए पहुंचे और चाइना को श्रीलंका पर कंट्रोल करने से रोका। उन्होंने चाइनीज सबमरीन्स पर हमला किया जिससे चाइना की एक सबमरीन ध्वस्त भी हो गई और उसके बाद चाइनीज आर्मी से युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में भारत के रॉ की जीत हुई और ऐसे में जीतने के बाद भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने श्रीलंका पर कब्जा नहीं किया। भारत की अथॉरिटीज़ के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ही रहेगा। पैक्ट था कि कोई भी श्रीलंका पर अपना कंट्रोल नहीं जमाएगा और ऐसा ही होगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने श्रीलंका को चाइना की कैद से छुड़ाया लेकिन खुद भी श्रीलंका पर कब्जा नहीं किया बल्कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की और ध्यान रखा कि कोई और श्रीलंका पर कब्जा जमाने ना आए क्योंकि उस समय श्रीलंकन आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो इस तरह भारत के रॉ ने श्रीलंका की मदद की और अपना पैक्ट भी फॉलो किया। दोस्तों, आपको भारत के रॉ की ये इंस्पायरिंग कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बता दें कि रॉ ने इसी तरह कई बार इंडिया की मदद की है और हर बार भारतवासियों का दिल भी जीता है। इस बार भी इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि रॉ की ये बड़ी अचीवमेंट सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जल्द ही रिलीज़ होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की मूवी टाइगर पार्ट 3, इसी तरह रॉ और इंटेलिजेंस कंपनीज और एजेंट्स की कहानियों पर आधारित सीरीज़ है और इस बार ऐसा पॉसिबल है कि मूवी में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की ये कहानी दिखाई जाए। अगर ऐसा होता है तो आप टाइगर 3 देखने के लिए एक्साइटेड होंगे या नहीं, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं मासूमी बॉलीग्राड स्टूडियोज से आपसे विदा लेती हूँ और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।